अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो गाइस? आई होप आप सब ठीक होगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, एक क्रीम का जो अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो उसी का आप मेरे हाथ में देख ही सकते होगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो गाइस तो फटाफट से नीचे जो रेड बटन है उसे क्लिक कर दो और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले ऐसे अच्छे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुँचे। और एक बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि रूही का ब्यूटी एंड कुकिंग एंड फैशन का चैनल है बट वो कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या अपलोड करती रहती है। तो ये कहना चाहूँगी गाइस कि मैं भी इंडियन हूँ और इंडिया में हमारे क्या क्या होता है तो उसी वजह से जो मतलब ज़रूरी मुझे लगता है वीडियो में वही अपलोड करती हूँ। और मैं भी एक इंडियन हूँ और मैं भी अपने देश से इतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी माँ से करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पर वो सारी चीज़ अपलोड की है। और चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस मुझे आपको यही बताना मैसेज देना था और वीडियो शुरू करते हैं हमारी क्रीम के बारे में। तो आप देख सकते हो मेरे हाथों में है 2-in-1 न्यू एस सॉफ्ट टच। एस सॉफ्ट टच की पहली भी मैंने क्रीम मॉइस्चराइज़र क्रीम की वीडियो डाली है विंटर की, वो भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस सॉफ्ट टच सन ब्लॉक एंटी एजिंग एंड विथ एंटी एजिंग वाइटनिंग क्रीम SPF UV60 नॉन ऑयली वाटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सन रेज विथ विटामिन सी। 100 ग्राम की क्रीम है, इससे बड़ी भी हम यूज कर चुके हैं। मुझे ये अच्छी लगती है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ये अपने चेहरे पर लगाने से इतनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है कि हमने कुछ लगाया ही नहीं ऐसा फील होता है। और रियल में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा है वाइटनिंग क्रीम, तो गाइस सच माने मुझे ये इतनी कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसे लगा के मेरी स्किन में कोई वाइटनिंग मतलब स्किन के कलर में कोई चेंजिंग आया हो, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एंटी एजिंग क्रीम है हमारे चेहरे पर, मतलब हमें एक बदलाव सा महसूस होता है। ये समर के लिए बेस्ट क्रीम है। तो यहाँ पर पीछे इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मतलब उन्होंने लिखा हुआ है। अगर सेंसिटिव स्किन है, कॉम्प्लेक्स स्किन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। और इसके अंदर विटामिन D3, विटामिन ए और रोज सिप ऑयल, तो आपको पता ही है रोज़ हिप सीड ऑयल हमारी स्किन के लिए कितने बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पर अब आप इसको हर चीज़ की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत फुल डिटेल में मिल जाएगी क्योंकि हम इतनी सारी डिटेल आपको नहीं बता सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसे यूज़ कैसे करना है या वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अपने पूरे चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है और कहीं भी बाहर जाने से पहले मतलब आधा घंटे के पहले हमारे चेहरे पर सप्लाई कर लेना है। और आप सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक बार बाई करने के पहले आप लोग इसे चेक कर लेना। इसकी प्राइस एक्चुअली मुझे याद नहीं है, इसे खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं इसकी लिंक नीचे दे दूंगी। अगर आपको बाई करनी हो तो आप वहां से कर सकते हो। और मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक देना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक देने में बहुत कंजूसाई करते हो, ये बिल्कुल फ्री है। और मैं इसे अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा दूंगी कि ये मतलब एकदम स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल चिपचिपी सी नहीं लगती है। और गर्मियों के लिए ये बिल्कुल बहुत ही बेस्ट है और ये हर कोई यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 13 के ऊपर के लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। क्रीम बहुत सेफ और बहुत ही अच्छी है। मैं इसे आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके भी दिखाऊँगी। मैंने इसे ट्राई किया और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने आज ये सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। अब मैं इसे अप्लाई करके दिखा देती हूं, आप देख सकते हो ये कोई ऐसे देखने जाए तो अप्लाई करके दिखाने में कोई इतना वो नहीं है, फिर भी मैंने सोचा जब आपको डेमो जब आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ तो फिर डेमो भी दिखाने में क्या प्रॉब्लम है।
मैंने मटर के दाने जितना लेके अपने हाथों पे लगा लिया, आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया। और सबसे अच्छी बात है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, कॉम्प्लेक्स वाली स्किन है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ किया। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया गाइस, तो लाइक देना ना भूलिएगा, और मिलते हैं हम ऐसे ही अच्छे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अगर आप लोगों को और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी।